बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री। अपने विषय में और आपको भारत सरकार की किन योजनाओं का लाभ हमको जल जीवन मिशन से हमको मिला है, पीएमवाईजी का अंतर स्कीम से हमको घर बनाने का मौका मिला, आपका बहुत दादाजी ने यूनियन टेरिटरी लद्दाख में भी गरीब कल्याण सम्मेलन बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहा है। इस हवाले से लेह और करगिल दोनों में मुख्तलिफ जगहों पे बड़े पैमाने पे प्रोग्राम्स देखने को मिल रहा है। प्रोग्राम में बेनिफिशरीज के साथ साथ डिपार्टमेंट्स की जानिब से मुख्तलिफ जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं और स्टॉल्स के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह की गवर्नमेंट की अहम स्कीम्स हैं जिससे लोग फायदा ले रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें जिसमें जल जीवन मिशन, पोषण अभियान, मुद्रा स्कीम और उसके अलावा और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, पीएम एफएमई जैसे बहुत सारे और भी स्कीम्स हैं, उस हवाले से लोगों ने किस तरह के फायदा लिया है बेनिफिशरीज से सीधे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश से बेनिफिशरीज के साथ बात कर रहे हैं। आपको बताते हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट में गरीब कल्याण सम्मेलन देखने को मिल रहा है और इस वक्त हम यूनियन टेरिटरी लद्दाख के करगिल में मौजूद हैं। करगिल में ऑडिटोरियम हॉल के बाहर बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से स्कीम्स के सिलसिले में स्टॉल लगाए गए हैं। मैं आपको स्टॉल दिखाना चाहूंगा, अलग अलग स्कीमों के हवाले से स्कीम जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं और स्टॉल्स के जरिए लोगों को ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है कि किस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को प्रोवाइड किया गया है और उन स्कीमों से लोग किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं जल जीवन मिशन की बात करें, मुद्रा स्कीम की बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें और उसके अलावा भी और भी अलग अलग स्कीम्स हैं, उस हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जल जीवन मिशन को लेकर लद्दाख के अंदर काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हमें देखने को मिला है, खासकर लेह जिले की बात करें और उसके अलावा जल जीवन मिशन को लेकर बड़े पैमाने पे काम भी लद्दाख के दोनों अज़ला में देखने को मिल रहा है। और लद्दाख में ये डेडलाइन दिया जाएगी कि इस साल यानी 2022 में लद्दाख जल जीवन मिशन जो स्कीम है वो मुकम्मल करके लोग लोगों को घर घर जो है पानी की फैसिलिटी पहुंचाया जाएगा। मिशन के हवाले से इनके रिप्रेजेंटेटिव से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग करगिल लद्दाख यानी पीएचई करगिल लद्दाख की जानिब से लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए किस तरह की कोशिश किया है। यहाँ पे स्टॉल और फोटोग्राफ्स के जरिए डिस्प्ले किया है और आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पर चाहे वो विंटर के बाद है या समर के बाद है लोगों को पानी पहुँचाने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी कोशिश फोटोग्राफ्स के जरिए दिखाया गया है। और साथ ही साथ हर जल की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, जल जीवन मिशन को सक्सेस बनाने के लिए किस तरह की काम किया जा रहा है उस हवाले से यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। तो यहाँ के कुछ ऑफिसर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव से उनसे जाना चाहेंगे। सर आपका नाम? इफ्तिखार हुसैन, असिस्टेंट इंजीनियर पीएचई डिवीजन कारगिल। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा जल जीवन मिशन को लेके काफी जो है हमें खबरें सुनने को मिलता है, सक्सेस स्टोरीज भी सुनने को मिलता है और वहीं करगिल लद्दाख में यानी पूरे लद्दाख को इस साल के अगस्त तक जो है जल जीवन मिशन के हवाले से लोगों तक ये जो मिशन है वो कंप्लीट करना है, तो जल जीवन को लेकर किस तरह की स्टेटस इस वक्त यहाँ पे है और किस तरह की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त 2019 को एक लाल किले से एक ये स्कीम मिशन एक चलाया था जिसका नाम दिया गया था जल जीवन मिशन जी। तो इसी कड़ी में हमारे लद्दाख और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हर घर में हमें क्या देना था, पानी देना था विथ एश्योर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 10,500 के हिसाब से हमें क्वालिटी उस हिसाब से पानी देना था। तो इसी कड़ी में हमारे कारगिल में भी ये स्कीम चल रहे, हमारे 125 विलेज में पूरे अभी काम चल रहे हैं। तो इसी कड़ी में और हर जगह काम अभी चाहे एसआर का हो, चाहे हमारा मेन लाइन का हो, चाहे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का हो, चाहे या हमारा फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हो, तो ये सारा काम पुअर फुटिंग बेसिस पे चल रहा है। और इसी स्कीम में फिर और एक चीज़ ऐड हो गया था कि हमारे जितने भी स्कूल्स थे या हमारे सारे आंगनवाड़ीज को भी पानी देना था और इसके बाद हमारा जो भी कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह था, कम्युनिटी टॉयलेट्स वगैरह थे या हमारे जो मेडिकल एड सेंटर्स थे, हेल्थ सेंटर्स थे, उन सारों को भी हमें पानी देना था। तो हर जगह पर अभी सारा
काम चल रहा है, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे विंटर फ्रेंडली मतलब वाटर सप्लाई स्कीम होना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने चाहे मतलब हमारे एंड पॉइंट पे हो या हमारे कलेक्शन चैम्बर्स पे हो चाहे हमारे एसआरस पे हो, हर जगह पे हमने इस चीज़ को नज़र में रखा है कि एक तो हमारा विंटर में चले, दूसरा हमारा क्या है कि विंटर में चले और हमारा एक मतलब सस्टेनेबल एक स्कीम बने, ये सारा हमने नज़र रख के अभी सारा हमारे पीएचई के चाहे हमारे चीफ इंजीनियर साहब हो, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर साहब हो, या हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहबान हो, या हमारे AEEE हो, या चाहे हमारे JEE हो, ये सारा अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल और हमारे डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन के चेयरमैन वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के गाइडेंस पे पूरा वार फुटिंग बेसिस पे चल रहे, ताकि ये जो काम जो है इसको टारगेटेड जो हमारा कंप्लीशन डेट है तब तक पूरा कर सके। सर आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त किस तरह की स्टेटस है और 100% में से कहां तक आप लोग अचीव करने में कामयाब हुए हैं? जहां तक स्टेटस की बात है, करगिल में अभी तक 35% हमने क्रॉस कर दिया है। इंशाल्लाह जुलाई एंडिंग तक कोशिश करेंगे कि हम इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो जनरली लोगों को किस तरह की मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि आज की बात करें गरीब कल्याण सम्मेलन भी देखने को मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट बेनिफिशियरी से बात कर रहे हैं, तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों के से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि JJM में लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना सबसे बेसिक है। जहाँ तक JJM की बात है, जब तक PRI पूरा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक ये कामयाब नहीं होगा। जो पिछले साल 2020 पूरा अवेयरनेस देने के लिए लगा, जिससे ये स्कीम में थोड़ा सा डिले हो गया, अदरवाइज़ अगर गांव में हर कोई PRI अवेयर होता तो इस स्कीम को इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन आज हर जगह पर हर PRI इसको ये अवेयर हो गया कि इस स्कीम को हमने ही कामयाब करना है, ना कि दूसरा कोई आएगा। सर क्या आपको लगता है कि ये स्कीम जो टाइम आप लोगों ने दिया है, टाइम ऑफ कम्प्लीशन जो दिया है, उस टाइम तक कम्प्लीट हो जाएगा? हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारा पूरा सारा जो हमारा सिस्टम जो है, मैन एंड मशीनरी जहाँ पे भी ज़रूरत है, जहाँ पे भी लगना होगा, या हमारा सपोर्ट एजेंसी जो है, वो सारे काम पे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ये विद इन टाइम लिमिट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें क्या है कि इस स्कीम को कंप्लीट करने में भी हमारे हर फर्द को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, क्योंकि पहले एलियर स्कीम्स क्या होते थे, वो टॉप टू डाउन अप्रोच होते थे, ऊपर लेवल पे प्लानिंग होते थे और नीचे लोगों पे थोप दिया जाता था। अब ये स्कीम जो है बॉटम टू टॉप अप्रोच है, क्योंकि हमारे PRI सी में, क्योंकि जो भी पूछना होता है हमें PRI से पूछते हैं, जो भी काम करना हो, जहाँ पे डिस्प्यूट करना हो, हल करना हो, जो भी चीज़ें हो, हम लोग PRI से उनको कॉन्फिडेंस मिले के और विलेजर्स को भी साथ में कॉन्फिडेंस मिले के सारा काम हमारे कारगिल में हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल जीवन मिशन कारगिल के रिप्रेजेंटेटिव जल जीवन मिशन के हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे PHE के रिप्रेजेंटेटिव, और उनका मानना है कि इस वक्त वार फुटिंग बेस पे काम जो है वो किया जा रहा है। लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि लोग डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करके जो डेडलाइन दिया है, टाइम ऑफ कंप्लीशन दिया है, उस टाइम पे कंप्लीट करने के लिए डिपार्टमेंट का मदद करें। JJM को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ फील्ड्स में अलग अलग भाग में काम कर रहे लोग रहते हैं, और यहाँ पे JJM के कुछ रिप्रेजेंटेटिव से उनसे जानना चाहेंगे। सर आपका नाम और आप कौन से फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर मैं मोहम्मद हसन, मैं इम्प्लीमेंट सपोर्ट एजेंसी जैसे कि जल जीवन मिशन के अंदर में हर विलेज में जाकर या हर ब्लॉक में जाकर लोगों को अवेयर कर रहे कि इस स्कीम को कैसे करना है। तो इस स्कीम का ये मतलब है कि सर जल जीवन मिशन है लद्दाख में रखा है कि एक्चुअली उन्होंने 15 अगस्त 2022 तक कम्प्लीट करना है। तो एक्चुअली पूरा इंडिया, हमारा इंडिया की बात करेगा तो ये 2024 तक कम्प्लीट करेंगे। तो हमारे लद्दाख में अभी 2022 तक हमें ये कम्प्लीट करना है। इसके लिए हमें लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके लोग हमारे जो हम अवेयर कर रहे हैं, जो सब उस अवेयर को जैसे हम PRI मेंबर को अवेयर कर रहे हैं, वो PRI मेंबर जाके लोगों को भी अवेयर करें, अपने गांव लोगों को अवेयर करें कि ये स्कीम जितना हो सके जल्दी करें। तो इस स्कीम के अंदर हमने PRI मेंबर को इतना अपॉर्चुनिटी दिया कि इसमें जैसे कि हमने VWC कमेटी बनाई, जैसे विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी बनाई, जिसमें हमने सरपंच पाँच लोगों को रखा है, और दूसरा हमने कमेटी बनाया है जो 5 वुमेन यूजर ग्रुप, इसमें वाटर टेस्टिंग का जो हमें जैसे कि ये वाटर टेस्टिंग करना है उसके लिए हमने जो 5 वुमेन यूजर ग्रुप को हमने इसमें रखा है। तो इसलिए हमें लोगों से फिर से हम विनती करते हैं कि जितना हो सके स्कीम के साथ दें, ये सबसे बेहतरीन स्कीम है, इस
सिक्किम को जितना हो सके जल्दी करें। तो लोगों की तरफ से किस तरह के रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि सबसे मेन रोल है शायद आप लोगों का, क्योंकि लोगों को आपको अवेयर करना है और लोगों का इन्वॉल्वमेंट जेजेएम में बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, ये हमने लोगों को हम ग्राउंड लेवल पर जाके लोगों के हम सुनते हैं कि ये सिक्किम बहुत बेहतरीन सिक्किम है, तो आप लोग अवेयर किया इससे बहुत हम शुक्रगुजार भी कर रहे वो लोग। तो बाकी हम डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हम टेक्निकल जो भी इश्यूज होते हैं वो लोगों के साथ साथ मिलकर प्यारा सा मेंबर के साथ मिलकर उस स्कीम को जितना हो सके अच्छी तरह से करें। बाकी हम जो वाटर टेस्टिंग का जो हम काम है वो आप इनू सर से डिटेल में पूछ सकते हैं कि उनका जो हमने 5 वुमेन यूजर ग्रुप का एक ग्रुप बनाया है, वो हर विलेज सरपंच के अंदर हमने 5 वुमेन को रखा है हर रेवेन्यू विलेज में, तो वो हम उस 5 वुमेन यूजर ग्रुप को भी हम ये इल्तिजा करते हैं कि वो अपने काम को अपने लेवल पर अच्छी तरह से करें और ये जो भी इश्यूज आए पानी के रिलेटेड जो भी इश्यूज आए वो डिपार्टमेंट वाटर टेस्टिंग लेबॉरेटरी में जाके उस पानी को टेस्ट करें। क्वालिटी वाटर लोगों को पहुंचाने के लिए वाटर टेस्टिंग जो आप लोग हैं वाटर टेस्टिंग के लिए लोगों तक क्वालिटी पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे अपने फील्ड के बारे में और किस तरह के एक्सपीरियंस अभी तक करा है? थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर देखिए जल जीवन मिशन का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वाटर क्वालिटी भी है, सो लोगों को घर घर जल पहुँचाना है बट क्वालिटी वाटर पहुँचाना है, तो ये गवर्नमेंट का ये इश्योर करना है कि हर घर में पानी हो पर वो क्वालिटी पानी हो, लोगों की सेहत के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो ये क्वालिटी इश्योर करने के लिए सर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग लेबॉरेटरी है जहाँ पे करीब हम 20 से 22 पैरामीटर्स का लेबॉरेटरी टेस्टिंग करते हैं सर, जिसमें खासकर हम टोटल एल्कलिनिटी या हार्डनेस आपके फ्लोराइड क्लोराइड आयरन नाइट्रेट इनका बॉडी पे बहुत सीवियर इम्पैक्ट है बच्चों पे और ह्यूमन हेल्थ पे। और मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि लोग जो है अपने जो पानी आप कंज्यूम करते हैं, हाँ बेशक अगर अलबत्ता पानी कलरलेस है पानी का जो नेचुरल स्टेट है तो आप ये समझते हैं कि पानी ठीक है, नो डाउट आपको फिर भी पानी की क्वालिटी टेस्टिंग करना चाहिए क्योंकि पानी में कहीं ना कहीं कॉन्टामिनेशन हो सकता है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुजर हो सकता है। अभी तक करगिल में वाटर क्वालिटी कैसा पाया आप लोगों के एक्सपेरिमेंट के साथ? सर सो फार हम लोगों ने वाटर क्वालिटी का लास्ट ईयर से काफ़ी पूरा हर एक विलेज में हम लोगों ने वाटर क्वालिटी टेस्टिंग किया था, तो बायोलॉजिकली या अदर केमिकल पैरामीटर्स में हमें लगभग पानी जो है अंडर लिमिट परमिसेबल लिमिटेशन आ रहे हैं, बट एज फार कुछ चीज़ें आ रही हैं जो टर्बिडिटी है जैसे आपका कई जगह नाइट्रेट थोड़ी सी आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है सीजनल है विद सीजन ये चेंज। किस वजह से आ रहे हैं सर? बेसिकली जो कुछ पैरामीटर है जैसे नाइट्रेट है, हम नाइट्रेट की अगर बात करेंगे तो नाइट्रेट लोग जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लोग यूज़ करते हैं खेतों में वो पानी के जरिए से अंडरग्राउंड वाटर में पहुंच जाते हैं, जिस वजह से जो है वाटर में नाइट्रेट कॉन्टामिनेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर है एनपीके बेस्ड इनकी ज़्यादा यूटिलिटी की हो रही की वजह से आपका अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कॉन्टामिनेट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रेट। एंड सेकंड जो हमारा पैरामीटर हमने कई जगह थोड़ा कुछ मतलब एक्सेस में देखा गया दैट इज फ्लोराइड, हमारे यहाँ पे दांतों की ज़्यादा तकलीफ हो जाते हैं आपके हड्डियाँ कमजोर हो जाते हैं डेंटल फ्लोरोसिस एंड सिकल्टल फ्लोरोसिस ऑल दीज आर रिलेटेड टू द एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन वाटर। सो एक्चुअली फ्लोराइड का कोई सोर्स नहीं, वो नेचुरली अंडरग्राउंड वाटर्स में कई बार पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ केसेस पे हम लोगों ने देखे हैं, नॉर्मली टर्बिडिटी ज़्यादा देखे गए हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए लोगों तक एक क्वालिटी पहुंचाने के लिए किस तरह की प्रपोजल रहता है आपको कंसर्न डिपार्टमेंट तक? एग्जैक्टली सर, मैं लोगों को ये खासकर ये मैसेज देना चाहता हूँ सर कि जो वाटर सोर्स है खासकर वाटर सोर्स के आसपास में जो पानी लोग कंज्यूम करते हैं उस सोर्स के आसपास में आप कपड़े ना धोएं, आप खुले में वहाँ पे टॉयलेट ना करें, आप अपने इवन की गाय बकरी को भी उस वहाँ पे ना दें ताकि वो लोग भी वहाँ पे अगर गोबर करेंगे तो इससे भी बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेशन आपके टोटल पॉलीफॉर्म पानी में पड़ सकता है जो कहीं ना कहीं आपको गेस्ट्रो इंटाइटिस या अदर हेल्थ इम्पैक्ट्स आपके बॉडी पे दे देते हैं। मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि पानी के सोर्स को पर्टिकुलरली नीट एंड क्लीन रखें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जितने भी घरों से वेस्ट आते हैं हमारे उनको पानी के अगल बगल में या इवन के दरिया में ना फेंकें। कीप दिस वाटर क्लीन, वाटर एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ी चैलेंज हो सकता है बिकॉज वी आर लूजिंग वाटर ऑन ए वेरी फास्ट ट्रैक बेसिस। सो आई विश कि लोग जो है इस छोटी सी जो रिसोर्स इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो हमारे पास है इसकी कदर करें और इसकी कंजर्वेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेहतरीन।